ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पाइवट टेबल लगाने से पहले हम लोग समझ रहे थे टेक्स्ट टू कॉलम से हम चीजें सॉर्ट कैसे करेंगे, कब कब टेक्स्ट टू कॉलम लगता है, वो हमने आपको बताया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ नाम ऐसे देखिए गड़बड़ आ रहे हैं, ये सी एम वाला ये नाम होना चाहिए था बट ये यहाँ पर गलत आ रहा है, तो अब इसको हम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट, तो हम लोग कॉनकैटिनेट का यूज करेंगे। कॉनकैटिनेट ये फंक्शन होता है, इसको हम यूज करते हैं। कॉनकैटिनेट क्या होता है, जोड़ने के काम आता है। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना, तो हमें इन दोनों नामों को जोड़ना है। सी एम वाला ये नाम ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, ये देखिए ये आ गया, टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर ये बोलता है टेक्स्ट वन सेलेक्ट कीजिए, तो हमें चाहिए सी कॉमा, फिर टेक्स्ट टू सेलेक्ट कीजिए, फिर चाहिए ये वाला हमें साथ में आ जाए इसके, ठीक है। और आगे कोई टेक्स्ट है नहीं, ऐसे अगर 10 टेक्स्ट भी हैं तो आप 10 को जोड़ सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए नाम सीएम वाला साथ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एस एन पांडे, देखिए यहां पर भी, यहां पर भी एस एन पांडे ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर पे स्पेशल वैल्यू कर देता हूँ, जब मुझे दिख ही रहा है कि ये एक जैसा ही होना है तो मैं इसी को यहाँ पर पे स्पेशल वैल्यू कर देता हूँ। बाकी हमने नाम ये यहाँ पर डाल दिए, तो यानी कि इस शीट में हमारे ये करेक्ट नाम आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन नामों को जब हमें लेना है, अब देखिए ये हमारे जो नाम है, इन नामों को हम लोग ठीक करेंगे। ये ठीक कर दिया हमने, अब हमें इसको यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी मेन फील्ड थी, इसमें हम सब कुछ डाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये रिप्लेस करने हैं नाम, ठीक है। वापस हम चाहते हैं यहाँ पर ये नाम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर हटाते हैं। फिल्टर हटाने का क्या फॉर्मूला है, वही कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हटा सकते हैं। वापस कंट्रोल शिफ्ट एल से लगाना है तो वही कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, तो ये फिल्टर वापस लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने किया हुआ था बट ये फॉर्मूला लग रहा है सब जगह कॉनकैटिनेट का, तो हम पहले इसको पे स्पेशल वैल्यू करेंगे। तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल स्पेस से, फिर कंट्रोल सी और ऑल्ट ई एस वी, ये पे स्पेशल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो पूरे को सेलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस से, फिर पूरे को कंट्रोल सी किया और एज इट इज ऑल्ट ई एस वी से देखिए फॉर्मूले हट गए, पे स्पेशल वैल्यू करते ही फॉर्मूले सारे हट गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस इसी पे फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से ब्लैंक्स हटा देंगे। ये नाम हमें यहाँ चाहिए तो इक्वल टू करके ये नाम मैंने यहाँ डाल दिया, ये सारे नाम यहाँ पे आ गए, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये वाले इनकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मैंने कॉलम डिलीट कर दिया क्योंकि ये सब हम चेक कर चुके हैं। दूसरा कॉलम चेक करते हैं, यहाँ पर ये पांडे आ रहा था, एस एन पांडे, इसको हमने ऑटोमेटिक वैसे ही ठीक कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया। तो यानी कि अब ये जो कॉलम है मेरा, ये कॉलम बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें सारे नाम ठीक आ गए हैं। तो पहले मैं इसको पे स्पेशल वैल्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी एंटर, ये पे स्पेशल वैल्यू हो गया। अब इस नाम को एज इट इज उठा के देखिए कितने हैं, काउंट देख लीजिए 1075, यहाँ दिख रहे हैं आपको काउंट 1075, इसको हम अपने रॉ डेटा में रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर कितना काउंट है, 1075, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर Alt E S V पे स्पेशल वैल्यू कर देंगे, ये नाम सारे यहाँ ठीक आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओके, अभी एक और चीज रह गई, देखिए इसमें मुझे अभी दिखा सेकंड जो नाम है उसी में देखिए यहाँ पहले स्पेस आ रहा है एंड्रिया के आगे, तो अब हमें वो स्पेस भी हटाना है जो स्टार्टिंग का स्पेस है, ठीक है। तो वो भी हम टेक्स्ट टू कॉलम से ही हटाएंगे, जो स्टार्टिंग का स्पेस आ रहा है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहां से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ए ई दबाएंगे और फिर डेलिमिथ में ही जाएंगे, नेक्स्ट ओके, एक मिनट रुक जाइए। अब यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्पेस हटाते हैं इसके थ्रू, तो वो क्या करेगा, जो इनके बीच की स्पेस है वो भी हटा देगा, ये नामों के बीच की स्पेस, तो ये हमें नहीं चाहिए।
फिक्स्ड विड्थ में देखते हैं कि फिक्स्ड विड्थ में हम लोग हटा सकते हैं क्या, फिक्स्ड विड्थ में भी हम उसको नहीं हटा पाएंगे, तो ये काम हमें मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मैनुअली देखनी पड़ेंगी, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैनुअली हमें कुछ चीजें मैनुअली देखनी पड़ेंगी, यहां पर जैसे ये दिख रहा है मुझे स्पेस, तो ये हमें मैनुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में हम लोग वो नहीं कर सकते। एक बार बस रिव्यू करने के लिए 2 मिनट लगते हैं हमें, वो हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई और तरीका इसमें ढूंढने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सा डेटा हमारे पास है नहीं, तो डायरेक्टली आपको देख के रिव्यू करके ही पता लग जाएगा कि कहीं पे वो स्पेस आ रहा है क्या आगे। आई थिंक मैक्सिमम स्पेस हट चुका है, और ये जो बाकी का स्पेस है ये भी हम हटा देते हैं। राइट, चलिए अब हम इसको पूरे को वहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये सब डेटा हमारा ठीक हो गया, अब इसे हम यहाँ ऑल्ट ई एस वी कर देते हैं, पेस्ट हो गया। अब हम इस पे पाइवट टेबल लगाएंगे। चलिए पाइवट टेबल के लिए हमने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला होता है ऑल्ट एन वी, कई एक्सेल में टी वी लगाना पड़ता है लास्ट में, बट 2013 एंड अबव में ऑल्ट एन वी से सब हो जाता है। एंटर, ये पावर टेबल आ गई। अब इसमें हम कस्टमर नेम पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ आ गए, और फिर रेवेन्यू को हम इनवॉइस अमाउंट को यहाँ पर लेके जाएंगे। ये देखिए सम आ गया, तो ये हमारे पास कस्टमर वाइज टोटल आ गया। टॉप 10 करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके नई शीट पे पे स्पेशल वैल्यू करेंगे। ये पे स्पेशल वैल्यू किया, ऑल्ट ओ सी ए, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया, और फिर ऑल्ट दबा के जैसे ही हमने किया नंबर फिल्टर में जाएंगे, टॉप 10 पे क्लिक कर देंगे, ये टॉप 10 हमारे कस्टमर्स आ गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से भी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिख के कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई 100% गारंटी आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा विद इन 1 मंथ। चलिए आगे देखते रहिए, हम लोग और आगे चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।